हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज़ाद कठोर मैं हूँ ज्योत्सना आज़ाद सो so गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको टेन हेड क्रोकी में एक वॉकिंग पोज ड्रॉ करना सिखाऊंगी। और पहले हम टेन इंचेस अपनी शीट पे मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारी टेन हेड क्रोकी है और इसकी लेंथ इंचेस में ही होती है सो so, टेन इंचज़ इसकी लेंथ होती है बेसिकली सो so, एक एक इंच के डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे सो so, ये मैंने टेन इंचेस मार्क कर लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसकी मार्किंग कर लेते हैं तो ये हमें आगे काम आएंगे बाकी की क्रोकी बनाने में ये हमारा एक हिसाब से बेस हो गया अब हमें क्या करना है हमें वन एंड हाफ इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है और उसके बाद इस पॉइंट पे वन एंड हाफ़ के पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे थ्री फोर्थ इंच आएंगे और राइट right साइड पे थ्री फोर्थ इंच के डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स मार्क करेंगे सो so, ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई लेफ्ट साइड पे थ्री फोर्थ इंच मार्क करना है और राइट right साइड पे थ्री फोर्थ इंच मार्क करना है और ये सेम विथ हम मार्क करेंगे हमारी हिप लाइन पे जो हम फोर इंचज़ पे मार्क करेंगे सो अगेन थ्री फोर्थ इंच लेफ्ट साइड पे मार्क करना है थ्री फोर्थ इंच हमें राइट right साइड पे मार्क करना है जो हमारी शोल्डर लाइन और हिप लाइन होती है इन दोनों की विर्थ सेम होती है अब हम वेस्ट लाइन मार्क कर लेते हैं सो थ्री इंचज पे आ, हाफ इंच आएंगे हम लेफ़्ट साइड पे और हाफ इंच राइट साइड पे, सो टोटल वन इंच हमारी वेस्ट लाइन की विर्थ हो गई सो ये हमारा टॉर्सो हो गया अब शोल्डर लाइन किस डायरेक्शन में बनानी है ये आप देख सकते हैं सो so, थोड़ी सी स्लंटिंग लाइन बनाएंगे हम जिसके शोल्डर्स जो हैं वो राइट right साइड से ड्रॉप होंगे और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम हिप लाइन बनाएंगे सो हिप लाइन में आ, हम लेफ़्ट साइड से उसको नीचे की तरफ रखेंगे और राइट right साइड से अपने लाइन को ऊपर की तरफ रखेंगे यूजुअली शोल्डर लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है हिप लाइन और जो वेस्ट लाइन है वो हम हिप लाइन की डायरेक्शन में ही रखेंगे सो so, जिस डायरेक्शन में हिप लाइन बनाई हैं उसी डायरेक्शन में हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सो so, ये हमारे टॉर्सो के बेसिक पॉइंट्स हो गए ये तीन लाइंस जब हम मार्क कर लेते हैं तो टॉर्सो क्रिएट करना इजी हो जाता है अब हमें पता है कि हमने कहाँ से शोल्डर नीचे की तरफ रखने हैं कहाँ से हिप्स नीचे की तरफ रखने हैं और थोड़ा और इजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ मैं दोनों साइड के पॉइंट्स पे रफ़ राउंड्स बना लेती हूँ रफ सर्कल्स क्रिएट कर लेती हूँ अब हम जो हमारा सेकंड इंच का पॉइंट है वहाँ से हम अपने जो फ्लैशिंग ऑफ दी क्रोकी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जो क्रोकी की शेप होती है वो बनाना स्टार्ट करते हैं और क्योंकि ये फ्री हैंड क्रोकी है तो मैं क्या करती हूँ मैं साथ के साथ ही इसमें सारे कर्व्स वगैरह बनाती रहती हूँ आप चाहें तो पहले स्केल की है से सीधी सीधी लाइंस लगा लें और उसके बाद क्रोकी की फ्लैशिंग कर सकते हैं सो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो फिगर का जो कर्व्स है टॉर्सो एरिया के जो कर्व्स है वो बनाने हैं सिक्स इंचज़ पर हम यूजअली नीज़ का एक अंदाज़ा रखते हैं सिक्स या सिक्स एंड हाफ़ इंचज़ पर और नाइन और टेन पे मैंने फीट के लिए पॉइंट्स मार्क कर लिए। सो हिप लाइन से नीचे की तरफ आते आते हम अंदर की तरफ आ जाएंगे अब क्योंकि ये वॉकिंग पोज है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपने भी उसी तरह से बनाना है या फिर आप किसी इमेज का रेफरेंस ले सकते हैं किसी रियल पोज का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं सो ये यूजली जो नीज़ है वो सिक्स या सिक्स एंड हाफ के ऊपर होते हैं डिपेंड करता है आपका पोज कैसा है तो इस पोज में मैं सिक्स एंड हाफ पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया सिक्स एंड हाफ के अराउंड में अपने नीज बनाने वाली हूँ नाइन इंचज़ पे एंकल आ जाता है और टेन से हल्का सा नीचे मैं फीट uh, को एक्सटेंड कर लेती हूँ अब ये मैंने ईजी करने के लिए जो नीज़ के मैंने राउंड सर्कल्स बनाए थे रफ सर्कल्स बनाए थे वो मैं सिक्स एंड अ हाफ पे बना रही हूँ सो so, ये पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है कि हमने नीज कहाँ मार्क करने हैं अब हम हेड की विर्थ मार्क करेंगे सो so, आपको सिक्स लाइंस जो है ये जो छोटी छोटी सी लाइंस है ये काउंट करके सिक्स लाइंस आपने राइट right साइड पे मार्क करनी है और यही सिक्स लाइंस आपने लेफ्ट साइड पे मार्क करनी है जो इंचज़ के बीच में जो छोटी छोटी सी लाइंस है ये काउंट करनी है आपने सो so, मैंने इजी करने के लिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सिक्स लाइंस राइट साइड पे और सिक्स लाइंस लेफ्ट साइड पे हम मार्क कर लेंगे तो ये हमारी हेड की विर्थ हो जाएगी सो so पहले अगर हम एक रेक्टेंगल बना के उसके बाद हेड की शेप बनाएं तो वो इजी हो जाता है क्रिएट करना अब इसी तरह से हमारी जो नेक की विर्थ आएगी जो वन इंच का हमारा पॉइंट है उस पर हम थ्री लाइन्स राइट साइड पर और थ्री लाइन्स लेफ्ट साइड ये जो छोटी छोटी वाली लाइन्स हैं वो थ्री लाइन्स राइट साइड पर और थ्री लाइन्स लेफ्ट साइड पर मार्क कर लेंगे सो अब मैं हेड की शेप बना लेती हूँ बाकी अब हम शोल्डर और नेक को जॉइन करेंगे और जो हमारी टॉर्सो का जो बाकी एरिया रह गया है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं और मैं क्या करती हूँ मैं पहले एक रफ़ फिगर क्रिएट करती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्री हैंड बनाती हूँ तो मैं पहले एक रफ़ फिगर क्रिएट करती हूँ और उसके बाद उसकी प्रॉपर फ्लैशिंग करती हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से शेप ठीक नहीं आ रही तो फिर उसको इरेज करके मैं प्रॉपर कर्व्स उसमें ऐड करती हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं आपको भी अगर टाइम uh, लगता है तो टाइम प्रॉपर दें और अपनी क्रोकी की प्रॉपर शेप क्रिएट करनी है आपने अब क्योंकि ये वॉकिंग पोज है तो लेफ्ट साइड से हम हिप्स जो हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ रखेंगे राइट साइड से वो जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ अब लेग्स की शेप किस तरह से ड्रॉ करनी है ये आप देख सकते हैं अभी जो मैं राइट right वाली लेग है वो मैं सेंटर लाइन के ऊपर बना रही हूँ अभी के लिए सो आपको भी पहले इस तरह से ट्राई करना है कि जो राइट वाली लेग है वो सेंटर लाइन के ऊपर आए और उसके बाद कैसे बनानी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी पर पहले आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि जो राइट वाली लेग है जो फ्रंट में आ रही है वो जो है वो सेंटर लाइन के अराउंड आएगी सेंटर लाइन के ऊपर आएगी ऐसे भी पोज ठीक लगता है पर अगर आप दूसरी तरह से बनाएंगे तो जो पोज़ है उसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है पर पहले हम प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे मैंने भी प्रैक्टिस इसी तरह से करी थी कि पहले मैं इस तरह से बनाऊँ पहले ये फिगर की प्रैक्टिस करनी है उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की प्रैक्टिस करेंगे सो so, क्योंकि वॉकिंग पोज है तो जो लेफ़्ट साइड वाली लेग है उसकी जो आ, लेग है वो थोड़ी सी बेंड हो रखी है और वो थोड़ी सी हाइड हो जाएगी तभी वॉकिंग पोज की लुक आएगी अच्छी सो so, इसकी आर्म्स बना लेते हैं अब राइट right साइड वाली जो आर्म है वो थोड़ी हाइड हो जाएगी हिप्स के पीछे और लेफ्ट वाली आर्म जो है वो हम पूरी शो करेंगे सो so गाइज़ ये तो फिगर कंप्लीट हो गई है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बाद में कैसे लेग्स बनानी हैं सो so पहले आप लेग्स इस तरह से बनाएंगे कि जो राइट right वाली लेग है वो सेंटर लाइन के ऊपर आएगी उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हम थोड़ा सा सेंटर लाइन के लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे सो so वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी ड्रॉ करके सो so गाइज़ ये मैंने फिगर कंप्लीट कर ली है और इसमें जो लेग्स हैं आप देख सकते हैं कि जो राइट right साइड वाली लेग है और जो लेफ्ट साइड वाली लेग है दोनों को मैंने सेंटर लाइन की लेफ़्ट में कर दिया है ये जो सेंटर लाइन है इसके लेफ्ट में सो so, जो काफ एरिया से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा लेफ़्ट की तरफ जाते जा रहा है फिर जो फीट है वो बिल्कुल ही सेंटर लाइन के लेफ्ट में आ गई तो इस तरह से जो है इस वॉकिंग पोज की जो लुक है वो और भी अच्छी आने वाली है सो so, ये आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा बाकी अगर आप थोड़ा बहुत सेंटर लाइन के ऊपर भी बना देंगे तो भी कोई इशू नहीं है बस पोज की जो लुक है वो अच्छी आनी चाहिए सो so, गाइज़ मैंने क्रोकी के ऊपर और भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ से एक बार उनको ज़रूर देखिएगा सो so, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग